कुरुक्षेत्र के गांव लुक्खी में आज युवा जजपा जिलाध्यक्ष एवं हरियाणा शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर जसविंदर खैरा के फार्म हाउस पर ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान हेतु जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर अनेक ग्रामीणों ने भाग लिया। डॉक्टर जसविंदर खैरा ने बताया कि कुछ ही दिन पूर्व खैरा फार्म पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान हेतु जनता दरबार लगाया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगे उनके समक्ष रखी थी। उन्होंने लिखित में इन समस्याओं और मांगों को राज्य मंत्री को दिया था। राज्य मंत्री द्वारा अब मार्क कर उन समस्याओं के समाधान हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके बाबत आज पंचायत विभाग के पिहोवा थानेसर ब्लॉक के एसडीओ और जेई भी मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों के समक्ष उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर उन्हें जानकारी दी गई कि किस प्रकार से राज्य मंत्री अनूप धानक ने उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उन्हें पूरा करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। मौके पर पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने और लंबित मांगों को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। अब इन मांगों को पूरा करने हेतु एस्टिमेट बनाकर अधिकारियों को भेजा जाएगा, ताकि जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं को दूर किया जा सके और लंबित मांगों को भी पूरा किया जा सके। डॉक्टर जसविंदर खैरा ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और राज्य मंत्री अनूप धानक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सही मायनों में निष्पक्ष भाव से गांव और शहरों में समान रूप से विकास कार्य करवा रही है। इसी का जीता जागता उदाहरण है कि राज्य मंत्री ने ग्रामीणों द्वारा रखी गई समस्याओं और मांगों को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान कराने की दिशा में जल्द ही कदम उठाए हैं। आज हमने हमारे यहाँ पर जो पीछे माननीय मंत्री श्री अनूप धानक जी आए थे यहाँ लुक्खी में, और कम से कम 150 जो एप्लीकेशन आई थी वो एप्लीकेशन जो सारी मार्क होके आज यहाँ पर पहुँच गई थी, और हमने सभी जो सरपंच हैं जिनके मार्फत और जो आमजन के मार्फत यहाँ पर एप्लीकेशन आई थी वो सारी हमने यहाँ पर एसटीओ आए थे और उनके स्पुर्द की हैं, और जल्द ही उनके एस्टिमेट बनकर चंडीगढ़ चले जाएंगे। और जितने भी विकास कार्य लोगों ने दिए थे जहाँ सरपंचों के थ्रू आए थे, वो सारे ही काम जल्द उनको पूर्ण करवाने का कार्य करेंगे। और मैं सभी लोगों को आश्वस्त भी करता हूँ कि जो विकास कार्य निरंतर हम कर रहे हैं उनको और अच्छे तरीके से करके लोगों को राहत पर जाने का कार्य करेंगे। सूबे के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी निरंतर लोगों के साथ जुड़कर विकास कार्य कर रहे हैं। मैं आपको आशा विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि निरंतर आपके बीच में रहकर आपके जितने भी विकास कार्य हैं उनको हम पूरा करवाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।